हेलो गाइस, मेरा नाम है अनीस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाया हूँ किस तरीके से आप अपने घर पर ही एक सिंपल प्लेन बना सकते हो, कुछ इस तरीके का, जो कि रबर बैंड से चलता है। और ये प्लेन जितना सिंपल है उतना ही अच्छी तरीके से ये उड़ पाता है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप इस प्लेन को बना सकते हो और अपने घर पे इसको फ्लाई कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करके इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, इस प्लेन को बनाने के लिए मैं कुछ A4 साइज का पेपर का यूज़ कर रहा हूँ और इससे मैं एक कटआउट निकाल रहा हूँ। और गाइस, कुछ मैंने जो झाड़ू होती है उसका डंडा लिया हूँ, इतने सारे पीसेस। तो एक पीसेस को मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ। तो मैं एक सेलो टेप यूज़ कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट। फिर हम इस सेलो टेप को कट कर कर इस लकड़ी के ऊपर कुछ इस तरीके से हम लगा देते हैं। फिर हम इसको इस पेपर की जो विंग्स है उसके अंदर फिक्स करेंगे, जिससे कि इस पेपर की विंग्स का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइस, कुछ इसी तरीके से हम सारे विंग्स को स्ट्रेंथ देंगे। तो गाइस, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इन पेपर को स्ट्रेन दे दिए है। तो गाइस, अब मैं ले रहा हूँ एक लकड़ी कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत ही हल्का लकड़ी है। तो गाइस, इस लकड़ी को हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फिक्स करेंगे प्लेन की शेप में। तो उससे पहले इस लकड़ी को हम आधा कट कर लिए है और इसके ऊपर हम एक सेलो टेप लगा दिया है कुछ इस तरीके से। फिर हम इसको ये जो पीछे की विंग्स है उसके ऊपर फिक्स करते हैं, सेलो टेप से ही फिक्स करेंगे क्योंकि सेलो टेप हल्का होता है और ये प्लेन उड़ने के लिए हल्की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और सामने की विंग्स को भी मैंने कुछ इस तरह से लगा लिया है और इसका एक्स्ट्रा जो सेलो टेप है उसको मैं ब्लेड की सहायता से कट कर ले रहा हूँ। और गाइस, अब मैं छोटा सा लकड़ी का पीस ले रहा हूँ कुछ इस तरह का। तो गाइस, इसको मैं सामने की ओर कुछ इस तरीके से सेलो टेप की ओर से फिक्स करूँगा सेलो टेप की सहायता से। तो हमने इसको फिक्स कर लिया है। और गाइस, जो इसके मिडिल वाला एक सेक्शन है, इधर भी हम एक लकड़ी का पीस को कट कर लेते हैं। कट करके हम लगा लिए हैं कुछ इस तरीके से। फिर हम ले लेते हैं एक ड्रोन का प्रोपेलर और एक हेलीकॉप्टर का गियर। इस गियर में जो प्रोपेलर है वो आसानी से फिट हो रहा है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। अब हम इसको ये जो लकड़ी का बीच में जो छेद है उसके अंदर से हम निकाल दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, प्रोपेलर फ्रीली वर्क कर रहे हैं। और गाइस, अब हम जो ये एलुमिनियम का जो रॉड है इस प्रोपेलर के साथ कनेक्टेड, इसको हम थोड़ा सा मोड़ ले रहे हैं, एल शेप में दे रहे हैं एल। पहले हम थोड़ा मोड़ा, फिर इसके अंदर डाल के हम पूरा मोड़ देंगे इसको। तो इसमें हम इस दो रबर बैंड लगा कर फेविक्विक के सहायता से हम फिक्स कर लिए हैं इसमें। तो अब हम इस दो रबर बैंड को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फिक्स करते हैं। लकड़ी के ऊपर हमने एक गांठ बांध दी है, तो इसके ऊपर हम से जो टेप होती है वो भी लगा दी है स्ट्रेंथ के लिए। तो गाइस, इसको लोड करने के लिए यानी कि फ्लाई करने के लिए आपको इस प्रोपेलर को कुछ इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, फिर आपको प्रोपेलर छोड़कर इसको फ्लाई करना है। तो अब है इसका फ्लाइंग टेस्टिंग।
ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ऑल पर, और इस प्लेन को आप जरूर से अपने घर पर बनाना, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इसको उड़ाने में। तो इस वीडियो को आप देख लो, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।